सर्वे देकर आज मेरा भी मन करता है खुल करके बोलूं, जी भर के बोलूं। साथियों, मैं कुछ गंभीर बात बताना चाहता हूं, आप पूरे देश के लोगों के सामने बताना चाहता हूं। साथियों, भारत की राजनीति में आज तक चार प्रकार के दल या कहो चार प्रकार के पॉलिटिकल कल्चर देखे गए। पहला है नामपंथी, दूसरा है वामपंथी, तीसरा है दाम और दमनपंथी और चौथा है विकासपंथी। नामपंथी यानी जो सिर्फ अपने भविष्यवादी नेता का नाम जपे, नेता में योग्यता हो या न हो उसे राजा महाराजा मानकर उसका ही गुणगान करे, ये है नामपंथी। आज देश में ये नामपंथियों की पहचान करने के लिए मुझे किसी का नाम बताने की जरूरत नहीं। दूसरे हैं वामपंथी, यानी जो नकारी जाति की रिजेक्ट की हुई विदेशी विचारधारा को भारत पर थोपने की कोशिश करे, भारतीयता का अपमान करे और तीन दशक तक जिस कर्तृत्व को बंगाल की जनता ने झेला है वो है जो नक्सलवाद को दाना पानी दे रहे हैं। भाइयों, तीसरा है दाम और दमनपंथी। दाम और दमनपंथी यानी जो धन और बाहुबल की ताकत पर सत्ता पर कब्जा करे और लोगों को ही अपना गुलाम बनाने की कोशिश करे। और आज बंगाल पहले नामपंथियों का शिकार हुआ, बाद में वामपंथियों का शिकार हुआ, उसके बाद दाम और दमनपंथी का शिकार हुआ, आज दाम और दमनपंथी की जो लाग है बंगाल फंसा हुआ है, उसको बचाने के लिए चौथा राजनीतिक कल्चर है विकासपंथी। ये विकासपंथी का मतलब है विकास, देश का विकास, जन सामान्य का विकास, लोगों के सपनों के अनुसार विकास और उस विकास पर खोले कर चलने वाली एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के लिए बल से बड़ा देश है, जिसके लिए देश का विकास, देश के लोगों का विकास ही सर्वोपरि है। साथियों, आज पश्चिम बंगाल में जो सत्ता में है, जो तृणमूल वाले हैं, उसकी विचारधारा पूरी तरह से दाम और दमनपंथी है। दाम की बात करें तो किसी को घर बनाना है तो टीएमसी को
बाजी होती है, किसी को अपना दफ्तर बनाना है, ऑफिस बनानी है, तो सिंडिकेट की इजाजत चाहिए। परमिशन से लेकर के एडमिशन का जो झूठ मिले आप दूसरे फैक्ट्री आए हैं।